पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में फेरबदल हुआ और आज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपना पदभार संभाल लिया है। लेकिन इस मौके पर एक बार फिर से खुलकर पार्टी की गुटबाजी सामने आई। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम चन्नी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कहने को पंजाब में नई कांग्रेस की शुरुआत हो गई। युवा चेहरे और नए प्रदेश अध्यक्ष बने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपना पदभार भी संभाल लिया। पद संभालने के बाद राजा वड़िंग ने सभी धड़ों के नेताओं को चेतावनी दे डाली और डिसिप्लिन में रहने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ और हो ना हो, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन जरूर कायम होगा। कुछ और हो ना हो, लेकिन डिसिप्लिन जरूर कायम रहेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये ना आपको ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह सकता हूं। लेकिन अजीबो गरीब बात ये हो गई कि पहले ही दिन पार्टी में गुटबाजी खुलकर नजर आई। पार्टी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पदभार कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए और दोनों ही फिलहाल विवादों से भी घिरे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ के कार्यक्रम में ना पहुंचने का कोई कारण पता नहीं चल पाया है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने राजा वड़िंग से मुलाकात कर उन्हें बधाई जरूर दी, लेकिन कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ तौर पर हार का कारण माफिया राज और सीएम को ही बताया। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे कहना, कांग्रेस हारी ते 5 साल दे माफिया राज करके उस माफिया दे खिलाफ मैं लड़दा रही। वो माफिए दे खिलाफ लड़ाई किसी निजी बंदे नाल नहीं सी, वो एक सिस्टम सी, वो चंद बंदियां दी तिजारत सी, तंज चंद बंदियां दा धंधा सी जिहड़ा स्टेट नूं दीमक वांग खा रहा सी। उहदे च चीफ मिनिस्टर इनवॉल्व सी, बीत गए, चले गए, गुम गए, समझे नहीं। वहीं इस मामले में नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग से जब इस बाबत सवाल पूछा गया कि क्या सिद्धू अपनी अलग कांग्रेस चला रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर बिना नाम लिए नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत दी और डिसिप्लिन में रहने की हिदायत भी। बट हाँ, सानू अपने आप च डिसिप्लिन लेके आउंदी लोड़ है। सानू सबनू और जेड़ा भी मेरा ख्याल कोई भी डिसिप्लिन की उलंघना करता है उन्होंने चाहिदा है कि अपने आप च डिसिप्लिन लेके आउंदी लोड़ है। नए प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नेताओं को चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि पार्टी में डिसिप्लिन से बाहर जाने वाले नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के लिए खुला मंच है, लेकिन शर्त यह है कि जाते दे विच रह के ये नहीं होवे कि उहदे विच कांग्रेस पार्टी दी कोई ना कोई उन्हें कमजोर करने लई कोई काम किया जाए, और अगर कोई पार्टी नूं कमजोर करने विच कोई काम करेगा जरूर। ऐसे में अमरिंदर सिंह के पदभार कार्यक्रम में सिद्धू का शामिल ना होना और कांग्रेस को नसीहत देना, इतना ही नहीं विधानसभा चुनाव में हार के लिए अपनी पार्टी की सरकार और सीएम पर फिर से सवाल उठाना, यहां तक कि माफिया राज को चलाने का आरोप लगाना, ये सब दर्शाता है कि सिद्धू का कांग्रेस से कहीं ना कहीं मोह भंग हो चुका है। अब देखना होगा कि नए कमांडर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में पार्टी एकजुट हो पाएगी या जो नेता नाराज चल रहे हैं वो पार्टी से दूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।